दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मीन राशि के जातक और जातिकाओं की किस्मत में क्या है खास इस महीने जून 2020 में, और लास्ट में बताएंगे अधिक सफलता के लिए उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूं आपके साथ RRJEE कुशवाहा। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस महीने जून 2020 में मीन राशि के जातकों को काफी ज्यादा सोचने की आदत से परहेज करने की आवश्यकता है। अपनी सोचने की आदत को नियंत्रण करने की जरूरत है इस महीने में। जी हाँ दोस्तों, इस महीने परिवार के प्रति लगाव आपको बहुत सम्मान दिलाएगा और आप जो भी प्रयास करेंगे वे आपके काम आ सकते हैं। इस दौरान आप मानसिक से ज्यादा शारीरिक मेहनत करेंगे, लेकिन दोस्तों इस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप जो भी मेहनत करेंगे शारीरिक रूप से उसका बेहतर फल इस महीने आपको दिखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, संतान की ओर से इस महीने आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि दोस्तों संतान की सेहत प्रीत होने से आपको उनके प्रति थोड़ा संजीदा रहना होगा। आपको संजीदा रहने की आवश्यकता है इस महीने। तीसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति से आपको सरकारी क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने से माताजी का स्वास्थ्य कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। अपनी माताजी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें दोस्तों। इस माह छोटी मोटी यात्राएं आनंद का माध्यम बनेंगे आपके लिए। मीन राशि के कुछ लोग तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों उपाय की, तो मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ की दान करें, गुड़ दें और दोस्तों चना बांटें, और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन अर्चना करें, साथ में प्रयास करें हनुमान जी का भी पूजन और अर्चना करने की। दोस्तों, अगर हो सके तो आपके लिए स्वामी ग्रह मंगलदेव हैं, अगर आप मंगलदेव की भी पूजन अर्चना करते हैं मंगलवार के दिन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। आपके लिए शुभ दिन मंगलवार, रविवार और गुरुवार है। इस दिन आप कुछ मांगलिक कार्य या विशेष कार्य करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने को मिलेगी। आपके लिए दोस्तों शुभ रंग पीला और लाल है। इस रंग को आप उपयोग करेंगे वस्त्र के रूप में या विशेष काम में तो आपको जरूरत से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकती है। आपके लिए शुभ अंक जो है दोस्तों 9, 18, 36 और 45 है। इस अंक के साथ आप मुख्य कार्य को करेंगे या दोस्तों इस अंक को आप मांगलिक कार्य में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिल सकता है। आपके लिए शुभ रत्न मूंगा है। मूंगा को आप धारण करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।